नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एवरियल न्यूज चैनल में। तो चलिए आपको बताते हैं, देश के सबसे बड़े SBI ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है। यदि आप भी देश के सबसे बड़े SBI इंडिया के ग्राहक हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिए। देश के सबसे बड़े SBI ने ATM से पैसे निकलवाने के नियमों में बदलाव किया है। अब यदि कस्टमर के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है और वह ATM से पैसे निकाल रहा है, तो उसे नाकाम ATM ट्रांजैक्शन के लिए पेनल्टी चार्ज देना होगा। इसका मतलब ये है, फेल्ड ATM ट्रांजैक्शन के लिए पेनल्टी चार्ज देना होगा। आपको बता दें, ICICI, HDFC, यस बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक में पहले से ही नियम लागू हैं। आइए जानते हैं कितना देना होगा चार्ज और क्या है RBI के फेल ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम। इन्हें आज सवालों और उनके जवाबों से समझते हैं। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि SBI आपसे क्या फीस लेगा। तो चलिए आपको बताते हैं। SBI वेबसाइट के मुताबिक, अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस होने पर यदि कस्टमर ATM से ट्रांजैक्शन करता है, तो उसे पेनल्टी चार्ज के रूप में ₹20 और साथ में GST देना होगा। बैंक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए भी चार्ज वसूलेगा। अभी SBI में मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन के नियम है कि SBI फिलहाल सेविंग अकाउंट होल्डर को एक महीने में ATM से 8 मुफ्त लेनदेन की सुविधा देता है। SBI के ATM से 5 और दूसरे बैंकों के ATM से 3 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। गैर मेट्रो शहरों में 10 मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है। इसमें SBI के ATM से 5 ट्रांजैक्शन और अन्य दूसरे बैंकों के ATM से भी 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। SBI के ATM से 10,000 या इससे अधिक रुपए निकालने के लिए OTP की ज़रूरत पड़ती है। अब बैंक के सभी ATM पर यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। SBI ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए 1 जनवरी 2020 को OTP सेवा शुरू की थी। इसके बाद से जब भी कोई कस्टमर ATM से 10,000 या इससे ज़्यादा रकम निकालता है, तो ATM स्क्रीन पर OTP डालने के लिए कहा जाता है। यह OTP कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है। OTP आधारित कैश विड्रॉल की सुविधा अभी सिर्फ SBI के ATM पर उपलब्ध है। इसका फ़ायदा आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच उठा सकते हैं। उसके बाद आप ये जानकारी ज़रूर लेना चाहेंगे, क्या कहता है ट्रांजेक्शन फेल होने का नियम। तो चलिए आपको बताते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2019 में ऐसे फोल्ड ट्रांजैक्शन जिसके लिए कस्टमर जिम्मेदार नहीं है, को लेकर बैंकों के लिए नियम बनाए थे। इसके मुताबिक, जब आप किसी ATM से कोई ट्रांजैक्शन करते हो और वह फेल हो जाता है, तो कस्टमर पर पेनल्टी चार्ज लगता है। लेकिन यह चार्ज उन्हीं मामलों में लगता है जिनमें कस्टमर की गलती की वजह से ATM ट्रांजैक्शन फेल होता है। कुछ ATM ट्रांजैक्शन के फेल होने में कस्टमर की गलती नहीं होती है। ऐसे मामलों में कस्टमर पर चार्ज नहीं लगता, उल्टा बैंकों को मुआवजा देना पड़ता है। उसके बाद सवाल ये उठता है कि यदि कस्टमर को मुआवजा न मिले, तो क्या वे शिकायत कर सकता है। इसके बारे में जानकारी देते हुए आपको बता दें, RBI की गाइडलाइन के मुताबिक कुछ स्थितियों में ट्रांजैक्शन फेल होने के लिए कस्टमर जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे कम्युनिकेशन लिंक्स में गड़बड़ी, ATM में कैश न होना, टाइम आउट सेशंस आदि। RBI ने 2019 में बैंकों को सर्कुलर जारी कर कहा था, कस्टमर की शिकायत या क्लेम के बिना ही उन्हें मुआवजा देना होगा। अगर किसी कस्टमर को मुआवजा नहीं मिलता है, तो वह रिजर्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकता है। यह वह स्थितियां हैं जिनमें बैंक को कस्टमर को मुआवजा देना पड़ता है। RBI ने बैंकों के लिए फोल्ड ट्रांजैक्शन पर कस्टमर की शिकायतों के निपटारे और रकम के ऑटो रिवर्सल के लिए समय अवधि निश्चित की हुई है। इसे टर्न अराउंड टाइम TAT नाम दिया गया है। SBI से जुड़ी ये खबर यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी ऐसी बड़ी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।